हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय एडी क्रिएशन। चलिए आज हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे और ये सिंपल सा डिज़ाइन है। आप, मैं गर्म सूट के लिए बना रही हूँ, आप किसी भी सूट के लिए बना सकते हैं। पहले हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक की विड्थ मैं लूँगी 3.25 इंच। और लेंथ में लूंगी 7.5 इंच लेंथ रखूंगी और 1/2 इंच इसके मार्जिन रखेंगे। मैंने 8 इंच यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब इसको हम निशान को सीधे कर लेंगे। पहले अब हम इस निशान को शेप देंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मैंने ये पान वाली शेप दी है। अब हम 1-1 इंच का यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे। आप 1 इंच से ज़्यादा भी ले सकते हैं, बस मैं थोड़ा सा को बताने के लिए ले रही हूँ। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। मैंने नेक की कटिंग कर ली है। अब जो हमारी ये पीस है, इसे हम, ये मैंने विदाउट पेस्टिंग वाली बुकरम नॉर्मल टैटर्न ली है और ये मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम ली है। ये मैंने यहाँ पर जोड़ लगा लिया है क्योंकि हमारी ज़्यादा वेस्ट ना हो। अब हम इसे यहाँ पर रखेंगे। देखिए, आप साबुत बुकरम ले सकते हैं, यहाँ पे पीस कम था इसलिए मैंने थोड़ा और जोड़ लिया है। अब हम इसे यहाँ पर रखेंगे और हमारा ऐसे ही निशान ड्रॉ कर देंगे। देखिए, यहाँ पर मैं इतनी ही लेंथ लूँगी। देखिए, मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पर 1-1 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। अब हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। आप ये जो हमारी नेक पट्टी है, ये अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे 7.5 लूँगी। इसकी कटिंग कर दें। देखिए, ये मैंने कटिंग कर ली है। अब ये नेक, और सबसे पहले हम ये हम साइड में रख लेंगे और जो विदाउट पेस्टिंग है इसे हम कपड़े पर अटैच कर लेंगे। देखिए, ये मेरी शर्ट है, मैं मैचिंग कपड़ा ले रही हूँ क्योंकि इसका कपड़ा कम है। हम पहले इस पर अपना सिंपल वाला नेक है जो, उसको अटैच कर लेंगे सिलाई के साथ। हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, इसको अटैच कर लेंगे। मैं मैचिंग धागा यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि बैक पोर्शन है इसका। आप चाहें तो नीचे का भी मैचिंग धागा यूज़ कर सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए हम
हम इसी तरह ही सारे पे सिलाई लगा लें। देखिए मैंने यहाँ पर सब सिलाई लगा ली है, हम सारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। अब इसका सेंटर लेते हुए हम इसको शर्ट में जोड़ देंगे, जैसे हम सिंपल नेक जोड़ते हैं। देखिए सेंटर से सेंटर में जाते हुए हम इसको इसमें अटैच कर लेंगे फ्रंट साइड रख के, क्योंकि हम इस सिंपली नेक बना रहे हैं। बीच की सिलाई लगाना चाहे तो आप लगा लें, मैं भी बीच की सिलाई लगा रही हूँ। बीच से ही मैं साइड में सिलाई लगाते हुए आ जाऊंगी। आप इसी तरह पूरे नेक को फिनिश कर लें। ये देखिए मैंने इसकी स्टिचिंग कर दी है, अब हम इसे कट करेंगे थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए। हम छोटे छोटे कट लगाएंगे यहाँ पे। अब हम फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। हमारा नेक तैयार है। अब जो हमने पहले पेस्टिंग वाला नेक लिया था उसे हम, ये पेस्टिंग वाला नेक लिया है हमने, इसे हम इस कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। देखिए हमने इसको पेस्ट कर लिया है, अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे बड़ी सिलाई से, और जहाँ जहाँ इसकी घुमा है हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कट लगा लेंगे। अब हम बड़े बड़े बखिए से इसको फोल्ड कर लेंगे, ताकि बाद में हम इसको उधेड़ सकें, और ये आप प्रेस से भी कर सकते हैं। देखिए हमारी पट्टी तैयार है, हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे पिछली साइड, ताकि हम फिर ऊपर से इसको उधेड़ सकेंगे। देखिए ऐसे हम छोटे छोटे इसको कट लगा लेंगे, फिर बाद में हम इसका धागा खींच देंगे और ये एकदम से बाहर निकल के आ जाएगा। देखिए हम ऐसे छोटे छोटे इस पे कट लगा लेंगे। देखिए ये हमारा रेडी है, मैंने यहाँ पे ऐसे सारे कट लगा लिए हैं। अब हम अभी इसको नहीं जोड़ेंगे, अब हम डिज़ाइन के लिए कटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने 2.25 इंच के टुकड़े काट लिए, ये ऐसे भी 2.25 है और यहाँ चौड़ाई भी 2.25 है। अब हमें क्या करना है, हम पहले इसको ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे
और साथ ही साथ हम इसको भी फोल्ड करेंगे। देखिए शर्ट का पीस है और ये मैचिंग। अब हमें इसे इस तरीके से रखना है कि ये नीचे वाला थोड़ा ज़्यादा दिखे और ऊपर वाला कम। देखिए अब ये देखिए इस तरफ से भी दिख रहा है, इस तरह। अभी हम पे सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हमको ये 4 या 5 ऐसे तैयार कर लेने हैं। अब हम इसको अटैच करेंगे। ये देखिए मैंने ये तैयार कर लिया है, 4 तैयार कर लिया। अगर आप 5 आते हो तो आप 5 तैयार कर ले। अब हम इसे यहाँ पर इस सेंटर से लगा के देख ऐसे लगाकर सिलाई लगानी शुरू करेंगे ऊपर से। हम मैचिंग धागा लेंगे, अब हम सिलाई लगाएंगे इसको ऊपर रखते हुए। अब हम यहीं से अपना डिज़ाइन लगाना शुरू करेंगे। आपको डिज़ाइन इतनी रखनी है जितनी आपको ठीक लगे। मैं देखिए इतना ही इसको बाहर की तरफ रखूँगी। देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है, अब यहाँ से ही हम मुड़ते हुए इसको फिनिश कर लेंगे। अब हम अपने धागा खींच लेंगे। देखिए यार आसानी से निकल गया। अब हम इसको थोड़ा सफाई कर लेंगे इसकी। देखिए अब हम एक और एक पट्टी निकालेंगे। हम यहाँ पर मेरा कपड़ा कम है तो मैं यहाँ पर दो यहाँ पर बीच में जोड़ लगा लूँगी और इसे हम दो बना लेंगे। अब हम इसे जोड़ लेंगे। देखिए ऐसे इसका हम एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देते हैं। बीच में से हम इसे ऐसे करना है। अब हमें ये देखिए मैंने इसको जोड़ लिया है। अब हम इसको ऐसे करके यहाँ पे सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे कच्चे वाली और उसे बाद में उधेड़ देंगे।
आपको ये एक सी बनानी है, ध्यान रखिए आप, ये आपकी एक सी ही बननी चाहिए। देखिए ये मैंने बना ली है, अब हम इसे शर्ट पर अटैच करेंगे। हम इसे सेंटर में लगाएंगे। देखिए हम सिलाई लगाएंगे। अब अब यहाँ पर हम इसे काट कर फोल्ड कर देंगे। अब हम रिटर्न में अपनी सिलाई को मोड़ लेंगे। हमारा गला रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। कुछ भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग।